अपने भक्तों की रक्षा करते आए। और जिसने प्रभु पर भरोसा कर लिया, उसका भविष्य बेड़ा पार हो गया। एक प्रसंग हमें याद आ गया, कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है, गुरु द्रोण ने चक्राव्यूह रच दिया जिसमें अर्जुन के ज्येष्ठ पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया। उस समय भगवान कन्हैया और अर्जुन विक्रम देश में सुशर्मा से युद्ध कर रहे थे। जब युद्ध में पराजित करते सुशर्मा को लौटे हैं, अर्जुन को बड़े भयंकर असुकून होने लगे, तो अर्जुन भगवान कन्हैया से बोले, माधव इतने भयंकर असुकून हो रहे हैं, मैं रोमांचित हो रहा हूं। भगवान बोले, पार्थ असुकून के लिए देख रहे हो कि युद्ध हो रहा है, लाखों योद्धा रोज धराशायी हो रहे हैं, लेकिन भाइयों जिस समय शिविर में आए हैं तो धर्मराज अर्जुन को देख के अपना मुंह छुपा कर कहने लगे, अर्जुन तुम्हें मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। एकदम से अर्जुन कहने लगे, हमें बात तो बताओ। महाराजा युधिष्ठिर कहने लगे हैं, अभिमन्यु मारा गया, जो सुना अभिमन्यु मारा गया। मेरे प्यारे भक्तों, सुनी धर्म की बात, धरन पे पारथ गए भैराई रे, मेरे भैया सुने धर्म के रहो कैसो मैंने पूतलियो के आई रे, रोए सुभद्रा रही उत्तरा पे जवाब बेटा अभिमन्यु, तो तेरो बाबू रहो तो बुलाई रे, करके सूर की तरफ कहने लगे, कहां चला गया मेरे लाल, अपनी मां को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर। तब तक भगवान ने
अर्जुन के कंधे पे हाथ रख दिया। अर्जुन ने मुड़ के देखा, कहा आइए कन्हैया, आइए माधव, गीता सुना दो। पुत्र शोक ने मुझे निष्प्राण कर दिया। भगवान कहने लगे, पार्थ तुम्हें इस तरह से शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारा बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ है। तुम अपने बेटे के लिए इतना शोक करते हो। ऐसे